और राइट सो है गाइस, बस सब सो गाइस, आज हम करने वाले कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग जिसकी आप होम स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड गाइस इस एडिटिंग में मैंने जो बैकग्राउंड्स एंड पीएनजी यूज़ किए उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस आपको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर लेना, ओके। सो गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको ये वाला बैकग्राउंड ओपन करना है। एंड गाइस आपको ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको ये चेयर का पीएनजी मिलेगा, आपको इसे ऐड कर लेना। गाइस ये पीएनजी नहीं, एक फ़ोटो है। आपको सिंपली गाइस कटआउट टूल पे जाना है। इसकी जो साइज़ है वो आपको थोड़ी कम कर ली है, नहीं गाइस आपको इसकी ओवरले बना देनी होगी। सो गाइस मैं जो वीडियो को कट करके आपको दिखा देता हूँ। ओके सो गाइस फोटो को जो है आपको सेव कर लेना है। एंड गाइस आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है कुछ इस टाइप से। एंड गाइस आपको इसे मैनेज कर लेना होगा। सो मैं इस टाइप से मैनेज कर लेता हूँ। एंड गाइस अब आपको डन कर देना है। सो गाइस डन करने के बाद आपको ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस आपको एक डॉग का फोटो मिलेगा, आपको इसे ऐड कर लेना होगा। एंड गाइस जैसे हमने चेयर के फोटो में किया था, आपको उसी तरह से इसकी भी ओवरले बना देनी होगी। सो गाइस जैसे कि इसमें डॉग के फोटो में MD लिखा हुआ है, आपको इसे नहीं ड्रॉ करना है, ओके गाइस। एंड आपको जो है इसे पूरा ड्रॉ कर देना है। सो मैं जो वीडियो की स्पीड बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ओके सो गाइस मैंने जो है इसे ड्रॉ कर लिया है। एंड गाइस अब आपको इसे मैनेज कर लेना है कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। ओके सो गाइस अब आपको डन करना है। एंड गाइस डन करने के बाद आपको एक फ़ोटो शूट करवा लेना है कुछ इस टाइप का, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके सो गाइस आपको जो है एक फ़ोटो शूट करवा लेना है कुछ इस टाइप का। एंड गाइस जैसे कि आप होम स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाली फोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। सो गाइस इस एडिटिंग ट्यूटोरियल का भी लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप ये वाली एडिटिंग भी कर सकते हो। सो गाइस आपको कटआउट टूल पर जाना है। एंड गाइस बैकग्राउंड की जो है ओवरले बना लेनी है आपको अपने मॉडल की, ओके। सो मैं जो वीडियो की स्पीड बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। एंड गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ओके गाइस। ओके सो गाइस मैंने फोटो का जो बैकग्राउंड है उसे इरेज कर लिया। एंड गाइस सब जो है मैं इसे सेव पे क्लिक कर देना होगा, ओके गाइस। सो गाइस आपको इसे मैनेज कर लेना कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैंने मैनेज कर लिया। एंड गाइस अब जो है मैं इसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद गाइस आपको ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस आपको कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना है ब्लैक कलर का, ओके। सो जैसे कि मैं अपने डॉग के जो पीछे का बैकग्राउंड है ब्लैक कलर का, मैं इसे ले लेता हूँ गाइस। गाइस आपको इसका साइज़ फुल कर लेना होगी। एंड गाइस आपको यहाँ पे मैनेज कर लेना है, इधर से टूल पे क्लिक करना है, आपको इन्वर्ट करना है। एंड गाइस ड्रॉ टूल में जाना है। एंड गाइस इसकी जो हार्डनेस है वो आपको 50 के आसपास रखनी है। एंड गाइस ओपेसिटी को भी कम कर देना होगी। एंड गाइस आपको इसे ड्रॉ कर देना है अपने शूज़ के पास में, ओके। सो मैं जो ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। सो गाइस इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारी फ़ोटो में जो एक शेडो बन जाएगी। सो गाइस आपको अपने डॉग के जो आप पैर हैं आपको वहाँ पे भी इसे ड्रॉ कर देंगे। सो गाइस मैं जो वीडियो की स्पीड बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस मैंने जो ड्रॉ कर लिया है। एंड गाइस सब जो मैं इसे डन कर देता हूँ। डन करने के बाद गाइस आपको टूल्स में, सॉरी गाइस इफेक्ट्स में जाना है। एंड गाइस इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद गाइस आपको HDR में जाना है, ओके गाइस। के बाद गाइस आपको इरेजर टूल पे क्लिक करना है। एंड गाइस इसकी जो साइज है वो आपको कम कर लेना है। एंड गाइस आपको इसे इरेज कर देना है अपने फेस पे, ओके। सो मैं जो है इसे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। ओके सो मैंने जो इरेज कर लिया। एंड गाइस अब जो है मैं इसे डन कर देता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो हमारी फोटो एडिटिंग जो है कम्प्लीट हो गई है। एंड गाइस कितनी अच्छी लग रही है। सो गाइस इसमें जो एक हम इफेक्ट डालेंगे। सो गाइस इफेक्ट डालने के लिए आपको सिंपली ब्यूटी टूल में जाना है। एंड गाइस स्क्रॉल डाउन करके आपको इसमें डिटेल्स में जाना होगा गाइस। डिटेल्स में जाने के बाद गाइस आपको ड्रॉ टूल में जाना है। एंड गाइस साइज को फुल करना है। एंड गाइस डिटेल्स को फुल करना होगा गाइस। एंड आपको इसे ड्रॉ कर देना है अपने पूरे फोटो पे। सो गाइस आप देख सकते हो एक रिटच हो गया हमारा फोटो। एंड गाइस अब आपको इरेजर टूल पे क्लिक करना है, साइज को कम करना है, हार्डनेस को थोड़ा कम करना है। एंड गाइस आपको इरेज कर देना है अपने फेस, अपने हैंड पे हो गया। सो मैं जो इरेज करके आपको दिखा देता हूँ। Go!
ओके सो गाइस मैंने जो इरेज कर लिया इनके सब जो है इसे मैं डन कर देता हूँ। सो गाइस हमारी फोटो एडिटिंग जो है कंप्लीट हो गई, इनके सब देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है हमारी फोटो एडिटिंग, इनके काफ़ी अच्छा रिटच लुक मिल रहा है इसमें। सो गाइस आपको इसे सेव करने के लिए सिंपली स्क्रॉल डाउन करके टूल में जाना है एंड गाइस थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव इमेज कर लेना है। सो गाइस हमारी फोटो जो है सेव हो गई है हाई क्वालिटी में हो गई। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। अगर इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा। सो गाइस आप मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।